आप बताइएगा, नाना नाना जान के दोनों आपा भान तीनों बहना अब्दुल वाहिद साहब के हमारे ओके एक मिनट हमारे नाना जान मोहम्मद अब्दुल रहमान जी जी इरफान मेरे भांजा ओके जी कुछ हमारे खानदानी दादा परदादा का हिस्ट्री बोलोगे तो बोलता हमें हमारा खदीम गांव दादा परदादा सगर दादा सी गंगूर ओके ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी वो गांव का नाम है ओके ओके गंगूर ओके ओके गंगूर में क्या होगा तो हमारा खानदान मुनसब खानदान बोलते हैं हम ओके ओके यानी पढ़े हुए सब भी जितना भी पढ़े हुए गवर्नमेंट के नौकरियां वाले इल्मी लियाकत वाले दीन का इलम वाले दुनिया के इलम वाले मेरी खानदान में पूरे है माशाल्लाह से मुनसब खानदान को नाम रख को बुलाते पूरे गांव वाले माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दादा लोग का चारों भाया ओके 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 मेरे दादा को तीनों औरत बच्चे तीनों मर्द बच्चे माशाल्लाह बड़े बेटे का नाम अब्दुल वदूद ओके माशाल्लाह दूसरे बेटे का नाम अब्दुल वाहिद ओके तीन में बेटे का नाम मोहम्मद अनवर पाशा माशाल्लाह बड़ी बेटी का नाम हाजरा भी माशाल्लाह दूसरे बेटी का नाम सारा भी जी जी तीन में बेटी का नाम खैरुन्निसा माशाल्लाह ये छह औलाद मेरे दादा को ओके ओके अल्लाह के फजल से सब भी अल्लाह के प्यारे हो गए मेरे दादी हाफिज कुरान जी 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 खाली बहुत बड़ा जगह था हमारा घर का सेंटर खाली फजर नमाज पढ़ ले को उन्हों झाड़ू मारते भी पूरी कुरान खत्म कर देते थे जी 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 उतने आलिम थे जी जी इलम के माहिर थे उनका नाम क्या था दादी का हफीजा 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 ओके उनका नेटू आपको वाला पूरी ओके वडला मन्नार के करीब में ओके वाला पूरी ओके करनार के नजदीक में रहता होगा ओके ओके उनके वालिद भी बहुत जबरदस्त शौकार साहब सिलार साहब क्या है इनामदार जागीरदार ऑपरेटर शौकार सिलार साहब आ रहे हैं बोल के दो झंडे ले आपको पुकारे थे जब हजरत बाहर को आते थे रोड पर मेरे दादी के बाबा का लखब 300 एकड़ ओके ओके मेरे दादा के परदादा का 300 एकड़ गंगूर ओके ओके अल्लाह का फजल से अल्लाह वत्ता दिया वत्ता ये खिलाने में पिलाने में वक्फ कर डाले पूरी दाना धर्माला में पूरे यतीम बच्चों की शादी करना लावारिसों के मुर्दों का मठिया करना ओके मस्जिदा बनते है तो मस्जिदा तामीर करना अरबी मदरसे का तो चलाते है तो तामीर करना ओके ये दोनों खानदानों की हिस्ट्री पूरी ओके अल्लाह के राह में वक्फ कर को मरे तक भी अल्लाह अल्लाह बोले थे बोले को चल गए माशाल्लाह 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 अब इधर आपको गंगूर का इसमें मेरे दादा के मेरे बाबा का नाम मोहम्मद अनवर पाशा लास्ट बच्चे का बेटा मैं मेरे दादा का नाम अब्दुल समद ओके ओके उनके वालिद का नाम अब्दुल मजीद अजीज ओके उनके बाबा का नाम अब्दुल मजीद ओके ओके दादा परदादा का नाम ओके गंगूर में जो भी इदारे पुराने हैं वो इदारे अल्लाह के फजल से उन लगा वो जमाने में मेहनत करके बंदा इसको ओके अब ये गुलामुद्दीन साहब ये हमारे बिन सर्किल वाले रोफ साहब लोग 4.5 एकड़ जंगल भी वो टाइम को वफ कर को मस्जिद को लिख डाले वो रोज ही आज तक पूरा उसका आमदनी मस्जिद को लगता है माशाल्लाह इसलिए उन लगा कौन खाना नहीं ओके अल्लाह फल से वो सलामत आज भी सलामत है आज खड़ोड़ा में चल गया वो माशाल्लाह वैल्यू उसका अबे हमें सरिया फूफू ओचे सारा फूफू सारा ओचे सारू फूफू के बारे में जी जी अभी इसमें हमारे दादा के तीनों बेटिया में बड़ी बेटी को एक एक बेटा 40 साल के बाद पैदा हुआ बच्चा ओके दूसरे भी बेटी आपको सारा बीबी ओके ओके सारा बीबी को औलाद नहीं ओके ओके खैरुन्निसा को औलाद नहीं ओके ओके सारा बी कहते सुनो मुझे पाल लिए ओके ओके एक भाई के बेटे को पाल लिया ओके ओके अनवर पाशा साहब के बेटे को पाल लिए ओके ओके बेटी को है नहीं खैरुन्निसा पाल लिए ओके 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 हमारे चुकलू के अम्मी चुकलू के अम्मी ये हुआ दोनों फुफुआ फिर इसमें हमारे सारा बीबी कहते सुनो उनके अम्मा के इलम के मियार को आए ओके ओके पक्के आले हदीस ओके बहुत मसला मसाइल के माहिर थे ओके कुरान के हाफिज थे तुम्हें जो भी दुआ करो अल्लाह ताला उनका दुआ कबूल करता था माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन ठीक है जी जी और एक बात क्या है बोले तो नो चंद अल्लाह के मामले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के बात अभी बहुत सी बात दिन पूरी जिंदगी उर्दू अरबी पढ़ाना फ्री सर्विस
कई हजारों के बच्चे तैयार करके चल गए उन्होंने हाफिज कुरान आलिमा को हाफिजा को तो वो टाइम को डिग्रिया क्या भी रहते नहीं सो ओके पर